नमस्कार दोस्तों, सौतेले बाप ने पति बनकर बेटी के साथ जो किया जानकर हैरान रह जाएंगे आप। फ्रांस में एक महिला को अपने बलात्कारी पति के कत्ल के केस में अदालत ने सजा मुक्त कर दिया है, जिसके पश्चात तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उसका स्वागत किया गया। वैलरी विकोट नाम की महिला ने 2016 में सौतेले पिता से पति बने डेनियन पोलेट की गोली मारकर हत्या कर दी थी। महिला ने सुनवाई के चलते ही तय सजा से अधिक समय जेल में काट लिया था, जिसके पश्चात महिला अधिकारों के लिए काम करने वाली महिलाओं के समूह ने उसे छुड़ाने के लिए प्रयास आरंभ कर दिया था। 2016 में अपने पति डेनियल पोलेट का कत्ल करने वाली महिला को 3 वर्ष के निलंबन के साथ 4 वर्ष जेल की सजा सुनाई गई थी। पूर्वी फ्रांस के साउन एट लायर में अदालत ने उसे सजा मुक्त कर दिया है। अदालत कक्ष में तालियों की गड़गड़ाहट के साथ निर्णय का स्वागत किया गया। सजा मुक्त होने के पश्चात वैकोट के कुछ मित्र तथा परिवार के व्यक्ति फूट फूट कर रोने लगे। तो दोस्तों, क्या कहना चाहेंगे आप इस खबर के बारे में, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।